नमस्कार, आज मैं उड़द दाल की पकौड़ी बना रही हूँ। ये रात से पानी से भिगो के रखा है, अब इसको हम धो लेंगे। इसका बिल्कुल ही इतनी सॉफ्ट हो जाती है रात भर से भीगी हुई दाल। अब इसके पकौड़े बनाएंगे। अब इसको हम साफ करके धो लेंगे। पहले पानी से जो छिलका दिख रहा ना, इसको भी हम हटा लेंगे। छिलके वाली दाल है ये। चलिए किस तरीके से बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। दाल को हमने धो लिया, हल्का सा छिलका रह गया, कोई बात नहीं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिना पानी का ग्राइंड करेंगे इसको। हम थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए पेस्ट, बिना पानी का। इसको पीसा थोड़ा थोड़ा करके, पेस्ट तैयार कर दिया। अब इसमें चॉप करी हरी मिर्ची डाल देंगे। ये लहसुन का पाउडर बना के रखा है मैंने, इसको डाल देंगे। इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, थोड़ा सा डाल देंगे लहसुन। इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे, ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और कलौंजी अदरक का पाउडर है, ये थोड़ा सा धनिया जीरे का पाउडर, ये हल्दी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्की सी इसमें खटाई डाल देंगे। और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, इससे पकौड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और पकौड़ियाँ टेस्टी बहुत होंगी इससे। और इसको हम फिर फेंट लेंगे। एक चम्मच इसमें दही डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे, बिल्कुल फ्लेवी होने तक इसको फेंटना है हमने। इसे मिक्स कर लेंगे पहले हम चम्मच से अच्छी तरह मटर को, और उसको साफ कर लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे, एक ही डायरेक्शन में काटना है इसे। इस तरीके से से हमने इसको फेंट लिया है। बच्चे बोल भी रहे हैं घर पे, ये देखिए इसको बिल्कुल फ्लफी बनाएंगे हम। पुदीना हम घर से ले लेंगे, पुदीना डाल तोड़ेंगे थोड़ा। ये मैंने कल काट के सुखा रखा है, तब ऐसा दिख रहा है। मैं घर की चीज़ें यूज करती हूँ दोस्तों। ये पुदीना भी मैंने घर पे उगा रखा है। ये पुदीना ले लेंगे। करी पत्ता ले लेंगे, ये करी पत्ते का पेड़ भी है मेरे पास है, तो करी की ले लेंगे। सभी चीज़ मैंने घर पे लगा रखा है। ये मिर्ची भी लगी है मेरी, देखिए ये मिर्ची भी हम तोड़ लेंगे पेड़ में से ताजी। ये देखिए मिर्ची के पौधे मेरे, बढ़िया पकी हुई है मिर्ची। थोड़ी सी मैंने इसमें से तोड़ी, कल परसों में तोड़ी ना मैंने, तब कम हो रही है। ये पूरी लगी बढ़िया मिर्ची, ये देखिए। एक इसमें से भी तोड़ लेंगे हम मिर्ची, छोटी छोटी लगी हुई है मिर्ची वगैरह से। मिर्ची पुदीना धनिया सब मेरा घर का ही रहता है। ये मैंने पुदीना काट के रखा है, ये अब ये सूख जाएगा, इसका पाउडर बना लूँगी मैं। देखिए कितनी बढ़िया फूल के देखने की,
जी नहीं पीएंगे। कपड़े भी धुल रहे हैं, मेरे मशीन भी चली है। नौ बजे खिलता है ये फूल, फूल है ही। इसमें गर्मी का सीजन है, देखे जून का महीना है, कितने सुंदर फूल हो रहे हैं देखे। ये मेरी तुलसी भी है, इसमें भी फूल खिला हुआ है। ये देखिए कितने गुच्छे निकला हुआ है, सुंदर कितना लग रहा है। और ये किला है देखिए, सामने ये देखिए रेड कलर का किला है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे, ये मैंने करी पत्ता और पुदीना ले रखा है, इसको डाल देंगे। हरी मिर्ची मैंने पहले डाल दी इसमें, सभी चीज़ें गार्डन का है दोस्तों मेरे। और ये एक टी स्पून गर्म मसाला डाल देंगे, और ये इसमें हींग डाल देंगे। अब इसको फिर हम फेंट लेंगे, से अच्छी तरह से साथ में चट्टी बना लेंगे इसके लिए, उड़द दाल पकौड़े के लिए। ये मैंने एक आम ले लिया है, ये दो तीन हरी मिर्ची है, दो तीन लाल मिर्ची है, दो करी लहसुन की, जीरा है, ये नमक है, ये दो तीन पत्ते पुदीने के हैं, ये पुदीना है। चलिए बनाते हैं चटनी। अब इसको पीस लेंगे, ये कच्ची करी है हमने छीन लिया है, इसको हम इसको डाल देंगे। पुदीना इसमें डाल देंगे, ये मिर्ची डाल देंगे, ये लहसुन डाल दिया हमने, जीरा और नमक डाल दिया, ये चटनी का सीक्रेट है। एक चम्मच हमने इसमें मलाई डाल दी, ताज़ी मलाई, फ्रेश मलाई है ये। देखिए ये पीस लिया हमने, ये देखिए लग रही ना नारियल की चटनी जैसी चटनी। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत टेस्टी होती है, इस तरह से चटनी बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आज कल भी जबरदस्त दस्त होने वाला है दोस्तों, स्किप करके मत दिखिएगा। अब इसको हम पलट लेंगे, देखें अपने आप ही निकल निकाल के पराठे दिए इनको। करारे बन जाएंगे, एकदम चिपक गए। लेकिन माने दोस्तों बहुत टेस्टी होते हैं, एक बार जरूर बनाइएगा इस तरह से। ये कलर देखिएगा, कितना सुंदर लग रहा दिखने में। अच्छे तो अच्छी तरह डूबे हुए हैं, ये अच्छे पक गए। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हुई थी, ये देखिए
इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे, छोटे बड़े अपने हिसाब से आप बनाइएगा। इसे ज़्यादा बड़े तो बनते हैं तो अंदर से कच्चे रहने का रहता है, छोटे ही बनाइएगा और खाने में भी टेस्ट लगते हैं छोटे। कुछ में हमने टूथपिक लगा दिया था, इस तरीके से लगाया, ये देखिए पकड़ा ना, इस तरीके से लगा दिया हमने, ये देखिए ऐसे लगा दिया था, कुछ में हमने टूथपिक लगा दिया था, कितना बुरा लग रहा है। ये देखिए सुंदर लग रहा था कि देखने में, होता ना लॉलीपॉप उसकी तरह लग रही है। तो किस भी हो रहा देखिए आवाज, कितने सुंदर लग रहे देखिए देखने में। लीजिए थोड़ा दाल के पकौड़े बन के तैयार हो गए, लीजिए आप भी खाइए। ये देखिए साथ में चाय बना रखी है, ये चटनी बना रखी है, ये पकोड़े हैं, ये देखिए इस तरह के सादे भी बना रखे हैं मैंने और ये लगा के भी बना रखे हैं, बिल्कुल लग रहा है ना लॉलीपॉप जैसा। ये देखिए लीजिए एंजॉय कीजिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको। आ रहा ना मुँह में पानी, पकौड़े के साथ गर्मा गर्म चाय हो तो क्या ही बात है दोस्तों।